नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल ठाकुर है। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, रिपेयरिंग की वीडियो लेके आई हूँ। ये हमारे पास ये मिक्स कैश काउंटिंग मशीन है जो कि सर लेके आए हैं। तो सर से पूछ लेते हैं, दिक्कत क्या क्या है सर इस मशीन में भैया? एक तो इसके मैं मशीन ऑन करके देख लेते हैं पहले। ये सर आया हमारे पास मशीन रिपेयरिंग के लिए। एक तो इसके डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। अच्छा, ये लाइनिंग जो आ रही है, ये लाइनिंग आ रही है। अच्छा, और एक शायद इसके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है। अच्छा, जो तो अभी जो नेट नोट चेंज हुआ है, ई कुछ करके है। हाँ, E66 का एरर आ रहा है, एक उसमें दिक्कत आ रही है। उसका फिर चेक कर लेते हैं। एक डिस्प्ले का और एक आपका आ गया सॉफ्टवेयर का। और इसमें ना सर्विस भी होनी है, देखिए मशीन में। हाँ, बहुत डस्ट है इसमें, काफी टाइम हो गया लिए हुए ना इसलिए। हाँ जी। तो सर हमारे पास आए हैं, तो इनके सामने ही हम मशीन करेंगे, इनको बिठाएंगे यही, तो इनके सामने मशीन करेंगे। तो सर्विस भी हो जाएगी? हाँ, सारा टोटल कर देंगे आपका। डिस्प्ले वैसे आपकी डिस्प्ले डालनी तो डाल देंगे, नहीं तो चल जाएगी। मगर आई है तो डाल ही देते हैं। हाँ, क्यों बार बार, पता नहीं 3 महीने चले, 2 महीने चले, साल चले, ठीक है तो साथ में डाल देते हैं। तो आप जी, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये होता है सर कि सर्विस कैसे होती है, मशीन सॉफ्टवेयर कैसे डलता। कोई सा भी ब्रांड की मशीन ले आओ हमारे पास। हमारा नॉर्मल केविन स्टार का है, जो हम कैश काउंटिंग मशीन है जो बेचते हैं, केविन स्टार की बेचते हैं और गोदरेज की बेचते हैं। प्लस हमारे पास कोई सी भी मशीन ले आओ रिपेयरिंग के लिए, कौन सी भी कंपनी की, कोई सी भी कंपनी की। तो चलते हैं, सबसे पहले तो मशीन यहाँ पे नट खोलने हैं, सर्विस करनी है। तो सर्विस करने का क्या दिक्कत ये होता है कि एकदम मशीन को प्रॉपर तरह सर्विस करिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से झाड़ फूक मारी और साइड कर दी मशीन को। ये देखो बहुत सारा डस्ट है। हाँ, हल्का फुल्का डस्ट है तो ब्रश मार सकते हो, उसको ब्लोर मार सकते हैं। तो इसमें तो बहुत सारा डस्ट है, तो चलिए ये मैं आपको देख लेना, मैं कहाँ कहाँ से खोल रहा हूँ मशीन को। सबसे पहले होते हैं तीन, यहाँ नेट लगे होते हैं, तीन नेट लगे होते हैं अंदर की तरफ। ये वाले नेट होते हैं अंदर की तरफ होते हैं, ये खुल गए आपके। उसके बाद क्या करना आपने, यहाँ वाले दो नेट खोलने हैं। अब यहाँ से क्या होता है, आपकी मशीन ओपन हो गई, यहाँ पे आपका मदरबोर्ड आ गया है, मदरबोर्ड आ गया आपका। तो यहाँ से हम भी ये कनेक्टर निकाल लेते हैं। कनेक्टर निकालने, जैसे निकालने वैसे लगाने भी, या आप ऐसा कर सकते हैं। देखो हाँ, ये है, हमने ये कनेक्टर वहीं पे लगा दिया। क्या करना है आपने, मार्क ले लेना है, मार्क मार दीजिए इस पर। ये देखिए 1 2 3 लाइन मार दो, और ये कहाँ का, ये यहाँ मार दीजिए, मार्क मार दिया। और आपने क्यों, हमारा को डेली का काम, हमें तो पता कहाँ लगेगा पॉइंट। अगर जब आप नए या आप सीख रहे हो तो उसमें आप कह रही निशान मार लीजिए। अब ये देखिए, ये होता है सेंसर, और यहाँ इसमें पूरा डस्ट भरा हुआ है। देखिए मशीन में, यहाँ से काउंटिंग भी गलत हो जाएगी आपकी। तो अभी हम ये दूसरा वाला कवर खोल लेते हैं। हमने दोनों कवर ओपन कर लिए हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अभी मैं इसको खोल रहा था, ये नेट यहाँ पे है, देखो ये नहीं खोलोगे, ये यहाँ पे नेट नहीं खोलोगे तो ये आपका ना अंदर से डैमेज हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास मशीन आई, अदर ब्रांड की मशीन आई है। ये देखिए नेट निकाला हमने साइड से। अब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो नट लगे होते हैं, इस कवर को भी निकाल लेते हैं बाहर सारा। एक एक चीज निकाल दूंगा इस मशीन की मैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें आगे। जैसे आपने वीडियो देखी, आपका काम हो गया, तो आगे शेयर कर दीजिए किसी को भी, किसी और का काम बन जाएगा आपके एक शेयर से। ये देखिए, ये हमने क्या है कि मशीन ओपन कर ली। अब मेरे को ये कवर निकालना है, ये वाला। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस वाला पेचकस लेना और यहाँ पे लगाना है अंदर की तरफ, जहाँ ये जॉइंट होगा उसको हल्का सा ऐसे उठाना, पीछे की तरफ धक्का मारना। ये देखिए,
अब क्या आपकी मशीन अच्छी तरह सर्विस हो जाएगी। ये देखिए कितना डस्ट है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा डस्ट है मशीन के अंदर। कोई सी भी कंपनी की मशीन ले आओ हमारे पास, कोई सी भी, सबको रिपेयर करते हैं, सबको व्हाट्सअप सबके सॉफ्टवेयर डालते हैं हम जो ब्रांड बेचते हैं केविन स्टार ब्रांड बेचते हैं, केविन स्टार की मशीन है। एक एक चीज मैंने ओपन कर ली है, अभी हम इसकी करेंगे सफाई। तो सफाई हम क्या करेंगे, एक तो हम ब्लोअर चाहिए, ब्रश चाहिए, ये देखो कलर सेंसर होता है, और हमारे पास होते हैं देखो सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल होते हैं। ये दिखा देता हूँ आपको, हर चीज़ दिखा देता हूँ। अब डिस्प्ले ये देखिए, ये मशीन में जो दिक्कत आ रही थी डिस्प्ले की, ये डिस्प्ले है हमारी इसके अंदर, ये देखिए अभी हम डिस्प्ले लगाएंगे तो इसमें इसको निकाल लेते हैं। अब क्या है, ये देखिए मदरबोर्ड, ये नॉर्मल मशीनों के हैं, ये मिक्स वालियों के हैं, और बहुत सारी आइटमें होती हैं। ये देखिए ट्रांसफार्मर मिल जाएगा आपको। तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो दिखा देता हूँ आपको, सबसे पहले सर्विस करना। ये देखिए अगर आपको नहीं पता लगे तो आप क्या करिए, कवर खोलने की जरूरत नहीं, आप यहीं से ब्रश मार सकते हैं, हल्की फुल्की गंदी हो तो, ज़्यादा होगी तो आप वीडियो को देख के भी आप काम कर सकते हैं, सीख ही भी सकते हैं इससे कैसे कैसे मशीनें रिपेयर होती हैं। और वीडियो में क्या होता है कि वीडियो से भी सीख जाता है बंदा कैसे कैसे क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा बंदे को तो ऑटोमेटिक सीख जाएगा बंदा कैसे मशीनें रिपेयर करते हैं, कैसे क्या होता है, क्या चीज़ चेंज करनी पड़ती है। वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अगर कोई लाइक से सब्सक्राइब करता है तो हमें भी खुशी होती बहुत ज़्यादा कि नहीं इतने हमारी वीडियो को लाइक मिले हैं, इतने शेयर हुआ है, सब्सक्राइब हुए हैं। तो अब चलते हैं हम कलर सेंसर की तरफ, अब मारेंगे ब्रश। ये देखिए यहाँ नीचे सेंसर होते हैं ना, ये वाला सेंसर होते हैं, यहाँ स्ट्रक करना और ब्लोअर मारना। ये हमारे पास आई अदर ब्रांड की, वो आई एन की ब्रांड, कोई सा भी हम सब कर देते हैं। ये कलर सेंसर वाली मशीनें होती है, इसमें क्या होता है ना अगर हल्का डस्ट वस्ट जाएगा तो मशीन में दिक्कत आती है, इसको सेंसर को अच्छी तरह, ये इसको बोलते हैं कलर सेंसर, ये वाला सेंसर होता है कलर सेंसर छोटा सा। अब क्या करना है इसके बाद, ये व्हील सेंसर होता है देखिए, ये इसको साफ करना है, व्हील सेंसर बोला जाता है इसको, इससे भी दिक्कत आती है मशीन में। हमारे पास जो मिलेगा ब्रांड आपको केविन स्टार मिलेगा, गोदरेज मिलेगा, दो तरह का ब्रांड होते हैं हमारे पास। अभी हमने क्या करा कि मशीन की तो सर्विस कर दी है, अभी इसको हम जैसे खोली थी वैसे ही बंद करेंगे मशीन को, तो यहाँ तो सर्विस हो गई है। अब देखिए कैसे लगाना आपका, जहाँ से कनेक्टर निकाला कनेक्टर लगाना, ये कनेक्टर लगा दिया मैंने, ये कनेक्टर लग गया, ये ऑटो सेंसर होता है। अब ये चीज दिख रही है आपको, ये यहाँ भी, ये देखिए नीचे, आप यहाँ दिखा दीजिए, चलो ये दिखा दीजिए, ये वाला ऐसा नट लगा होगा, ऐसा दिख रहा है, ऐसा वाला गोल वाला, यहाँ नीचे लगे होंगे दोनों साइड, जैसे ये कट है यहाँ लगे होंगे, तो इसको क्या करना है, यहाँ जो भी इसके अंदर लगाना है दोनों की साइड, ऐसे लगाने के बाद ऐसे लगा दिया आपने, हल्का सा थोड़ी से मारना इसको, ये आपका सेट हो गया। अब उसके बाद आपको ये नोटों के एडजस्टमेंट करने के लिए होता है, सेटिंग के लिए, ये देखिए एडजस्ट कर दिया हमने, ये बोला था वैसे लगाना आपने मशीन का बैक कवर, ये देखिए बैक कवर लगा रहा हूँ मैं, ये सेट हो गया, इसके नेट है, नेट लगा देंगे, यहाँ भी नेट लगे होते हैं, कभी खोलना हो तो यहाँ से खोलिए नेट, और नीचे वाले दो नेट लूज करिए, बाहर आ जाएगा आपका कवर। अब चलते
जो मैंने निशान लगवाए थे आपके, कैसे कैसे लगाने, ये निशान लगा रखे थे, देखिए यहाँ निशान है, तीन निशान लगा रखे थे, तीन निशान है, तो इसको तीन निशान के इस साइड से स्टार्ट करना है। आगे पॉइंट खाली भी होते हैं, ये लगा दिया, एक एक इस पे लगा, एक इस पे लगा, तो यहाँ लगा दिया मैंने, ये लगा दिया। अब क्या करना है, कवर लगाना है हमें आपको, ये नीचे वाला नेट लगा दिया, अब अंदर वाला नेट लगाने हमने इसको। अब दूसरा कवर लगा लेते हैं, यहाँ कनेक्टर लगाना आपको ऐसे, ये लगा दिया। तो एक बार मैं इसको अभी हमने चेक कर लेते हैं एक बार क्या कंडीशन है मशीन की। अभी ओके डन है, अब इसका कवर लगाना, और इसको आप देखो यहाँ लगाना है, देखो इसके अंदर डालना है। अच्छा इसके अंदर डालोगे तो ये बेल्ट में कट जाएगा आपका, तो ये भी हमने कर दिया, इसका कवर भी लगा दिया। ये देखिए मशीन की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है इसमें, डेट अगस्त 2020 की मशीन है ये। ये अंदर वाले नट लगाने हैं, देखिए नीचे वाले लगा दिए हमने और अंदर वाले, ये तो मशीन हमारी कवर लग गए हैं। अब क्या करना है, हमें डिस्प्ले चेंज करनी है इसकी, डिस्प्ले में छः नट लगे होते हैं, ये हमने चेंज करने हैं, छः नट जो लगे होते हैं इनको हमने खोलना है, उसके बाद डिस्प्ले चेंज होगी आपका, कवर निकल जाएगा आपका। ये हमने नट निकाल दिए सारे, अब ये कहना है इसको खींचना ऊपर की तरफ, ये हल्का हल्का, ये देखिए डिस्प्ले के अंदर भी बहुत डस्ट है, ये देखिए अब डिस्प्ले चेंज करनी है। ये डिस्प्ले आ गई हमारी, देखो सेम डिस्प्ले है, जैसे है वैसे ही लगानी है इसको। ये मैं कनेक्टर निकाल रहा हूँ, देखो जैसे है ना, ये निशान मार सकते हैं आप इसमें कोई, ये देखो ये है और ये है, निकाल दिया मैंने, ये देखिए डिस्प्ले हम चेंज कर रहे हैं इसकी। डिस्प्ले चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जैसे निकालोगे वैसे लगा दोगे, ये देखिए एकदम रेडीमेड आती है ये चीज़ें, ये देखिए ये मैंने कर दिया है डिस्प्ले। तो अभी हमें डिस्प्ले चेंज कर दी है, तो कनेक्टर लगा लेते हैं इनके, देख लेते हैं ये कनेक्टर लगा दिए हमने, ठीक है। अभी ऐसी ना मशीन अभी खुली हुई है, बाद में पैक करेंगे, पहले एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे लगा के काम कर रही है, नहीं कर रही है मशीन हमारी इसमें, ये देखिए एकदम डिस्प्ले नए डालने के बाद, देखिए जो पहले वाली थी उसमें ये वाली जो पुराने वाली थी इसमें दिक्कत आ रही थी, ये वाली में यहाँ लाइनिंग लाइनिंग आ रही थी, तो ये देखिए सारा ठीक हो गया एकदम ओके। अब इसको हम पैक कर लेते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर दिखाएंगे आपको कैसे डालेंगे। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ मशीन को, और ये डिस्प्ले लगा देता हूँ, उसके बाद सॉफ्टवेयर डालेंगे, फिर चेक करेंगे मशीन को सही वर्क कर रही है नहीं कर रही है, चेक कर लेते हैं एक बार। मशीन हमारी ओके हो गई, देखो जी इसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब क्या है सॉफ्टवेयर का दिखाता हूँ आपको, सॉफ्टवेयर का कैसे पता लगता है, पास लाइए थोड़ा सा कैमरा। अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर आएगा इसके ऊपर, ये देखिए 17A है, पुराना बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है इसके अंदर। तो अब क्या करना है, हमें सॉफ्टवेयर डालना है इसके अंदर। तो क्या करना है, सबसे पहले दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी आपको,
एक तो ये सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है, ऊपर से ये आपका कैलिब्रेशन के लिए करना है। जब सॉफ्टवेयर डालो कैलिब्रेशन करनी ही पड़ेगी आपको। सॉफ्टवेयर कैसे डालना, मशीन ऑन कर दी हमने, अब ये डिवाइस है, हमने यहाँ लगाना है जहाँ डिस्प्ले लगती है। अब देखिए ये ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक कर रही है ब्लू लाइट। अब ऑटोमेटिक इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, अब ऑटोमेटिक मशीन रीसेट मारेगी ये। जब रीसेट मार जाएगी तो समझिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया है मशीन के अंदर। हमारे पास कोई सी भी मशीनें लेके आ जाओ, हमारा तो ब्रांड है केवन स्टार, हम केवन स्टार गोदरेज को भी सर्विस देते हैं, गोदरेज की भी सर्विस देते हैं, केवन स्टार की तो है ही है हमारे पास सर्विस, प्लस अदर मॉडल कोई सा भी हो आपके पास। अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है इसका, अब क्या करना, अपने पीछे मशीन बंद करनी है, फिर आप डिवाइस निकालना है। अब कभी कभार क्या होता है कि मशीन ऑन नहीं करें, कस्टमर ने डिवाइस लगा दिया, मशीन ऑन करेंगे तो क्या होता है डिवाइस भी करप्ट हो जाता है, तो पहले मशीन ऑन करनी है फिर उसके बाद डिवाइस लगाना है। अब चलते हैं कैलिब्रेशन कैसे करना, मशीन बंद है, यूबी बटन पे हाथ रखना आपको यूबी पे, और मशीन ऑन करनी है, बीप क्यों आ जाएगी, भी रुक जाएगी बीप क्यों आ, उसको छोड़ दो। अब क्या करना है, इसके अंदर अपने पेपर डालना वाइट वाला, एकदम वाइट पेपर लेना है, ये डाल दिया, यहाँ कलर सेंसर होता है, इसके नीचे तक लाना है। अब यहाँ दिखाइए जरा ये कोड कैसे चेंज, अब हमें बैच ऑप्शन पे दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है जब तक एलईडी वन नहीं लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। अब मैं दबाऊंगा इसको, देखिए एलईडी वन आ जाएगा, एलईडी वन आ गया, छोड़ दिया, फिर मैंने फिर दबाऊंगा इसको, एलईडी 00 आएगा, छोड़ दिया मैंने। अब इसके अंदर तीन बार बीप क्यू आ जाएगी, ये देखिए बीप क्यू आज आपके 4 या 5 या 10 सेकंड में आ गई, तो उस 4 या 5 10 सेकंड के आसपास आती है बीप क्यू आज, तो आपका कलर सेंसर ओके है। अगर लेट आती है 1-1.5 मिनट के बाद आती है तो कलर सेंसर में भी दिक्कत आती है। अभी इसका मशीन का कलर सेंसर ओके है। अब क्या करना है, इसको मशीन को बंद करना, ऑन करना है, वो पेपर बाहर निकलाएगा आपका, ये आपका सारा काम कर दिया। एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ कैश डाल के। अब देखिए मशीन बंद कर रहा हूँ, पास लाइए जरा चेक करवा देता हूँ। सॉफ्टवेयर पहले 17A का था, अब देखियो कौन सा सॉफ्टवेयर आ गया इसके अंदर। देखिए 25A का सॉफ्टवेयर आ गया, ये न्यू वर्जन का सॉफ्टवेयर है ये। अब कैश डाल के देख लेते हैं, ये देखिए फेक नोट है, साइड करा, ये देखिए 138 पीस, 21,500 वैल्यू आपकी। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, जो मैंने वैल्यू बताई वही कर रही है, नहीं कर रही है, देखिए सेम 138 पीस और सेम वैल्यू। हमारी मशीन ओके हो गई है, मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बताया है कैसे कैसे मशीन खुलती है, कैसे सॉफ्टवेयर डलता है, कैसे सर्विस होती है। अगर क्या होता है हल्की हल्की मिट्टी हो तो आप वैसे कर दीजिए, अगर ज़्यादा डस्ट है तो आप जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं। और हमारे पास जो ब्रांड आते हैं, हर तरह का ब्रांड आते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो रिपेयरिंग करते हैं, न्यू मशीनें भी देते हैं हम, केविन स्टार की और गोदरेज की देते हैं। हमारा जो एड्रेस पड़ता है कोटला मुबारकपुर न्यू दिल्ली, दिल्ली NCR में है, तो डायरेक्ट हमारे पास सर्विस सेंटर भी ला सकते हैं मशीन को, डायरेक्ट हाथ के हाथ करवा के ले जा सकते हैं, प्लस हमारे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर बाहर से है तो आप कुरियर के थ्रू भी हमें मशीन भेज सकते हैं और वापस ही आपकी मशीन कुरियर के थ्रू चली जाएगी, और हमारे नंबरों पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा जैसे केविन स्टार ब्रांड है, अब केविन स्टार की मशीन खरीदनी आपने, तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, kevinstar.in से भी परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, Amazon, इंडस्ट्री वाइंड। अगर आप फ्लिपकार्ट Amazon से भी परचेज करते हैं तो उसमें भी आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी, और उसमें क्या है कि 1 साल की वारंटी मिलेगी। किसी ब्रांड में क्या होता है मशीन खरीद ली, उसके बाद ना सर्विस सेंटर है, ना मतलब बंदे हमारे पास कॉल आता है कि सर हमने वहाँ से खरीदी थी, 3 महीने बाद मशीन में दिक्कत आ गई है तो क्या करना है। तो देखो हम तो पे करें पैसा लेंगे उनसे, हम जो ये दिक्कत है इसमें, ये पार्ट चेंज होंगे, ये डलेगा। तो नंबर मैंने बता दिए परचेज करने के लिए, हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा है DSIDC कॉम्प्लेक्स कोटला मुबारकपुर, हमारे से डायरेक्ट मशीन भी खरीद सकते हैं यहाँ से, या अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, ब्रांड है हमारा केविन स्टार। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।